प्रणाम प्रणाम बेटा। नाउ वी हैव टू स्टार्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शनल रिलेशन। ये बेटा टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप आराम से समझे। मतलब आसान नहीं कह सकता इसको मैं, ये काफी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर। क्या पर क्या सब फंक्शनल रिलेशंस, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शनल रिलेशंस, राइट। मैं बेटा एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, यहाँ कोई फिक्स मेथड नहीं है कि आपको हमेशा यही लगाना है। दैट थिंग डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। मैं आपको एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ बेटा एग्जांपल में कर लेता हूँ, कुछ आप अनसोल्व मैं कर दूंगा, बाकी आप लोग कर लीजिए। देखिए बच्चे, लेट एफ इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। जहां देखो तो बेटा मुझे रोक देना। एफ इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू। क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, एफ इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स वाई बाई टू for all x y belongs to R, if function का जीरो पर डेरिवेटिव बेटा एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, और इक्वल टू कितना है बेटा माइनस वन। मतलब जीरो पर डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस वन है और फंक्शन की जीरो पर वैल्यू बेटा वन है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ फंक्शन है टू। ये बेटा आपको करना है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, गिवन फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, राइट। फंक्शन का जीरो पर डेरिवेटिव माइनस वन और जीरो पर वैल्यू वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट टू, राइट। बेटा फंक्शन की टू पर वैल्यू कब निकलेगी, जब आपको फंक्शन मालूम होगा। सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, फंक्शन क्या होगा, लेट अस ट्राई टू फाइंड इन दोनों के हेल्प से, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय टू इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई कितना आपका टू। इसको जरा हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, एफ डैश जीरो का मतलब क्या होगा, सोच के बताओ। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो ओवर एक्स। गौरव यही होना चाहिए बच्चे। बेटा फंक्शन के डेरिवेटिव की जीरो पर वैल्यू माइनस वन गिवन है, राइट। देखो एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या होगी लिमिटिंग फॉर्म में, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो, एफ जीरो आपका वन है, और लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स माइनस वन ओवर एक्स, ये आपका, इसको मैं वन मार्क करता हूं, राइट। अब आप क्या करें, एफ डैश एक्स को लिखो बच्चे, एफ डैश एक्स को बेटा मैं लिख रहा हूं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव लिमिटिंग फॉर्म में क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, राइट। अब गिवन कंडीशन को मैं यूज कैसे करूं, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कंडीशन हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय टू। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको बेटा क्या लिखता हूं मैं, क्योंकि बाय टू है तो इसको बेटा मैं टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एफ ऑफ टू एक्स प्लस टू एच बाय टू माइनस एफ एक्स बाई एच। ये बेटा बन गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय टू, फॉर्मूला क्या होगा, एफ ऑफ टू एक्स प्लस एफ ऑफ टू एच बाय टू। चेक करो बच्चे बिना, देखो कंडीशन का बेटा हम यूज करना चाहेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय टू, तो इसको बेटा टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई, ये नंबर काम करेगा एक्स का, ये आपका वाई का, एफ एक्स प्लस एफ वाई बाय टू माइनस एफ एक्स ओवर कितना आपका एच, राइट।
तो आप इसका पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम बेटा लिया कितना बन गया, एफ टू एक्स प्लस एफ टू एच माइनस टू टाइम्स एफ एक्स ओवर कितना बेटा टू एच। यहाँ तक तो आपको मिल गया, बिल्कुल ठीक है। अब इसको मैं क्या करना चाहूंगा, मैं वो समझता हूँ। अब आपको क्या करना है, एफ टू एच प्लस, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज हम और करेंगे बेटा। यहाँ पर आपको स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। मुझे एफ टू एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए मैं इसको रिपीट भी करूंगा, आल्सो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, ये बेटा गिवन है एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू एफ एक्स। बेटा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एफ टू एक्स। बेसिकली मेरे को डेरिवेटिव निकालना है h के क्रम में, रिप्लेसिंग x बाय टू एक्स, एक्स को टू एक्स से रिप्लेस करें और y को रिप्लेस करो जीरो से। बताता हूँ क्यों कर रहे हैं बेटा, x को टू एक्स से रिप्लेस किया y को जीरो से, तो ये क्या बन गया बच्चे, टू एक्स प्लस जीरो बाय टू, ये बेटा बन गया एफ टू एक्स प्लस एफ जीरो बाय टू। टू एक्स बाय एक्स कितना बन जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ टू एक्स। बेटा एफ जीरो की वैल्यू हमें जरा की है वन, कितने की बना है वन बाय टू, शिफ्टिंग करना बेटा, एफ टू एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना आपका टू एफ एक्स। तो इसका ये मतलब है, यहाँ पर पुट करना बेटा, तो इसका ये मतलब हुआ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, सो एफ डैश एक्स बेटा क्या बन गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। बेटा एफ टू एक्स की वैल्यू, एफ टू एक्स की वैल्यू बेटा मैं पुट कर रहा हूँ, टू एफ एक्स माइनस वन प्लस एफ टू एच माइनस टू टाइम्स एफ एक्स ओवर आपका टू एच। ये बेटा टू एक्स से टू एफ एक्स कैंसिल हो गया, इट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ टू एच माइनस वन। वन का मतलब क्या हुआ बच्चे, आप वैसे चेक करो, एफ वन माइनस वन ओवर कितना आपका जीरो एच। कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये लिमिट वैल्यू क्या होगी? बेटा आप सोच के बताओ, अगर मैं एक्स को जीरो पुट करूंगा, एफ जीरो की वैल्यू बेटा वन है, राइट? तो ये फॉर्म आपके क्या बन गए, आपके जीरो बाई जीरो। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ टू एच माइनस वन, वन का मतलब एफ जीरो बाय टू एच, ये भी आपका टू एच। ये पूरा क्या बन गया बेटा, एफ डैश जीरो और एफ डैश जीरो कितना दे रहा क्या आपके पास माइनस वन। इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस वन। हाउ टू फाइंड फंक्शन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बेटा ये प्रॉब्लम मैं दोबारा बताऊंगा, ये मुश्किल आसान नहीं कह सकते और मुश्किल भी नहीं है, ट्रिक है। माइनस एक्स प्लस सी, अब आपका काम क्या रहेगा बेटा, सी निकालना। क्या करोगे, एफ जीरो गिवन है वन, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा एफ जीरो माइनस जीरो प्लस सी, ये आपके पास वन है, तो सी की वैल्यू बेटा वन, एफ एक्स क्या बन जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। आपको एफ टू निकालना है, एफ टू का मतलब क्या होगा, माइनस टू प्लस वन। बेटा इसका तरीका और भी बता रखा है, पहले मैं इसको रिपीट करता हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, दोबारा सुनिए। बेटा एफ इज ए फंक्शन डिफाइन फॉर ऑल रियल्स सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय टू, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय टू इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाय टू। बेटा करना क्या है आप लोगों को, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट टू। बेटा फंक्शन की वैल्यू मुझे किस पर निकालनी है, टू पर निकालनी है। अब फंक्शन की टू पर वैल्यू कब निकलेगी, इफ यू नो द फंक्शन। अब फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए बच्चे सबसे पहले मैंने क्या देखा,
फंक्शन का जीरो पर डेरिवेटिव गिवन है। देखो बेटा माइंड में क्या क्या आता है जो आपको पहले याद होता है, राइट, जो आपको गिवन कंडीशन होते हैं उसका हम यूज करना चाहेंगे। अब आप अगली कंडीशन पे आइए। नेक्स्ट कंडीशन बेटा ये है एफ डैश जीरो इज लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो ओवर कितना आपका बेटा एक्स माइनस जीरो, राइट। अब आप इसको क्या करेंगे बच्चे, इसको आप लिखेंगे, देखो नाउ ये आपकी वैल्यू वन है तो एफ डैश जीरो इस फॉर्म में आ गया। नाउ आप इसका डेरिवेटिव निकालें एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स, ये बेटा मैंने आपको डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन लिखा लिमिटेड फॉर्म में, ये आपको आता ही है। अब गिवन कंडीशन का मैं यूज भी करना चाह रहा हूँ, राइट। बेटा मैंने क्या किया इसको, इसको मैंने इट इज एफ ऑफ डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय टू, बेटा जब आप इसको टू से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ टू एक्स प्लस टू वाई बाय टू, एफ ऑफ टू एक्स प्लस टू वाई बाय टू। गिवन कंडीशन से ये बेटा बन गया एफ टू एक्स प्लस एफ टू वाई बाय टू, टू बेटा शिफ्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को दोबारा यूज करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय टू, एक्स को रिप्लेस बेटा टू एक्स से किया, वाई को जीरो से रिप्लेस किया, ये बन गया टू एक्स प्लस जीरो बाय टू, एफ टू एक्स प्लस एफ जीरो बाय टू, टू शिफ्ट कर लिया, टू टू कैंसिल। तो इसका ये मतलब हुआ एफ टू एक्स इक्वल टू कितना बन गया, यहाँ से बेटा हम क्या निकाल रहे हैं, एफ टू एक्स बेटा बन गया टू एफ एक्स माइनस वन, इसको बेटा पुट कर दिया, ये पार्ट आपका कैंसिल्ड आउट, एफ टू एच माइनस वन ओवर कितना आपका टू एच, राइट। अब आप क्या करेंगे बच्चे, ये अगर आप वन को लिख दो एफ जीरो, तो बेटा अगर एच जीरो को टेन कर रहा है तो टू एच भी जीरो को टेन कर रहा है, राइट। तो इसका ये मतलब हुआ दिस एक्सप्रेशन विल बिकम एफ डैश जीरो, और एफ डैश जीरो की वैल्यू बेटा हमें दे रखी है, क्या गिवन है बच्चे, एफ डैश जीरो की वैल्यू हमें गिवन है माइनस वन। तो बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया माइनस वन, राइट। नाउ इंटीग्रेटिंग एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी इन दैट वे यू विल गेट वैल्यू फ्रॉम, बेटा ये तो एक मेथड था, इसका मैं आपको एक आसान मेथड और बताता हूँ, ग्राफिकल तो और मुश्किल है, सेकंड मेथड पे आइए। बेटा सबसे पहले मुझे बताओ कंडीशन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय टू इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाय टू, बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाय टू है एफ एक्स प्लस एफ वाई बाय कितना आपका टू, क्या लिखे बच्चे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बेटा दोनों तरफ आपने डेरिवेटिव किया टेकिंग वाई टू बी कॉन्स्टेंट, वाई को बेटा हमने क्या ले लिया, कल भी एक प्रॉब्लम हमने बताई थी, क्या बन जाएगा बेटा एफ डैश यू और यू का फर्दर डेरिवेटिव एक्स प्लस वाई बाय टू का डेरिवेटिव वन बाय टू, क्योंकि वाई का जीरो होगा। यहाँ पर आइए एफ एक्स डेरिवेटिव एफ डैश एक्स एफ वाई डेरिवेटिव जीरो, राइट, टू टू कैंसिल हो गया, एफ डैश एक्स प्लस वाई बाय टू इक्वल टू एफ डैश एक्स, बेटा चेक करना, राइट, एफ डैश एक्स प्लस वाई बाय टू कितना इक्वल टू कितना आपका एफ डैश एक्स, बेटा हमें गिवन वैल्यू क्या है नवीन, हमें फंक्शन की जीरो पर वैल्यू गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है माइनस वन, राइट। अब हम कैसे करें बेटा एफ डैश जीरो कब मिलेगा, जब आप एक्स को जीरो क्या करें रिप्लेसिंग एक्स बाय जीरो एंड वाई बाय टू एक्स, देखो बहुत इजी बन गया, अगर आपने एक्स को रिप्लेस किया जीरो से और वाई को रिप्लेस किया टू एक्स से तो क्या बन गया बेटा जीरो प्लस टू एक्स बाय टू इक्वल टू एफ डैश जीरो माइनस वन है, टू टू बेटा कैंसिल्ड आउट, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस वन, इंटीग्रेटिंग, ये आपके लिए मेथड काफी इजी हो गया, माइनस एक्स प्लस सी, अब सी आप निकाल लेंगे सेम आंसर यू विल गेट। बेटा मैं ये कहना नहीं चाह रहा कि सारी प्रॉब्लम आसानी है, राइट,
कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको इस तरह का यूज करना भी पड़ सकता है। आगे बच्चे आइए, अभी तो मैंने बेटा एक ही प्रॉब्लम बताई है, अभी मैं अगली प्रॉब्लम पे चलता हूँ। गौरव ट्राई किया आपने प्रॉब्लम को? गौरव बेटा ये अल्टरनेट में प्रॉब्लम करता हूँ। नवीन रिप्लाई करो बच्चे। खुशी मृणा 3.69 बता दो। हाँ जो आप पूछ रहे हो ना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 3.69 बताता हूँ। देखो जो बच्चे थोड़ा आगे चलेंगे वही कामयाब होंगे। 3.69 बेटा चेक करते हैं हम लोग। देखिए लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्यू। बेटा फंक्शन आपका रियल टू रियल है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई होल क्यूब। चेक करना बच्चे एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई क्यूब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब ये कहना चाह रहा है यदि फंक्शन का जीरो पर डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 10। बेटा ये प्रॉब्लम है, दोबारा सुनिए। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई होल क्यूब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, राइट। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फाइंड कितना बच्चे एफ 10, राइट। अब सबसे पहला काम तो ये होता है कि हमें इसको यूज करना है और फंक्शन की वैल्यू 10 पे निकालनी है, राइट। अब आपका एफ जीरो डेरिवेटिव में यूज होगा। अब आप इसमें क्या करें बच्चे, पुट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो। बेटा जितनी भी प्रॉब्लम हम देखेंगे अगर फंक्शन की वैल्यू जीरो पर गिवन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो पर गिवन नहीं है तो आप पहले पुट करें। पुट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो बच्चे, ये बन गया एफ जीरो इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ जीरो होल क्यूब। एफ जीरो कैंसिल्ड आउट, एफ जीरो इक्वल टू कितना बन गया बेटा जीरो। अब नवीन चेक करो बेटा इसको, यहाँ पर हमें फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सबसे पहले पुट्टी करें इसको, एफ डैश जीरो क्या बनेगा बच्चे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। बेटा ये तो आपने इसको लिखा लिमिटिंग फॉर्म में ओवर एच, एफ जीरो भी आपने भी लिखा जीरो है तो दिस इज लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एच ओवर कितना आपका एच, राइट। अब ये हमारा निकल गया एफ डैश जीरो। अब हमें गिवन कंडीशन का भी यूज में करना चाहूंगा। कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई क्यूब। पहले तो बेटा मैं इसको इस फॉर्म में बनाना चाहूंगा, देखते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसका कहाँ यूज होगा, लेट अस सी। एच को बेटा मैं लिख रहा हूं जीरो प्लस एच वन थर्ड का होल क्यूब। अभी देखते हैं क्या बनेगा। बेटा एच को मैंने लिख दिया जीरो प्लस एच वन थर्ड का होल क्यूब। इस कंडीशन की हेल्प से क्या बन गया, एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब एफ जीरो प्लस ये बेटा आपका वाई है एफ ऑफ एच के वन थर्ड का कितना बोलो होल क्यूब ओवर एच। क्या बन गया बेटा एफ जीरो प्लस, अब आप मेरे को बताओ बच्चों, देखो एफ जीरो फर्दर आपका क्या बनेगा जीरो, ये बेटा बन गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच की वन बाय थ्री ओवर एच की वन बाय थ्री का बेटा होल क्यूब। बेटा आपने क्या लिखा इसको, ये तो लिखा आपने गिवन कंडीशन से, एच का मतलब बेटा ये है एच की वन थर्ड का होल क्यूब, ये भी क्यूब ये भी क्यूब, एफ ऑफ एच का वन थर्ड ओवर कितना आपका एच वन थर्ड का होल क्यूब, राइट। अब आप मेरे को ये बताओ जो आपने एफ डैश जीरो था, एफ डैश जीरो क्या लिखते हो लिमिटिंग फॉर्म पे,
बेटा यही तो लिखते हो, लिमिट x टेन टू जीरो एफ एच माइनस एफ जीरो ओवर एच माइनस जीरो, ये आपका जीरो है बेटा, आप यही तो लिखते हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पर अगर एच जीरो को टेंड करेगा नवीन, तो क्यूब रूट ऑफ एच भी किसको टेंड करेगा, जीरो को। इफ एच टेंड्स टू जीरो क्यूब रूट ऑफ एच विल आल्सो टेंड टू जीरो, तो ये लिमिट आपकी वही होगी जो गिवन था, मतलब ये आपका एफ डैश जीरो है ना, तो एफ डैश जीरो इक्वल टू एफ डैश जीरो होल क्यूब। नवीन ये स्टेप समझ में आ गया, रिप्लाई कर बेटा। बेटा लिमिट को फंक्शन के अंदर ले गए हम, ब्रैकेट के अंदर, अगर एच जीरो को टेंड कर रहा है तो एच का वन थर्ड भी टेंड टू जीरो है, तो ये लिमिट बन जाएगी एफ डैश जीरो। शिफ्टिंग करो बच्चे, एफ डैश जीरो कॉमन, एफ डैश जीरो स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसको मैं बेटा क्या लिखूंगा, या तो ये जीरो है या एफ डैश जीरो इक्वल टू प्लस माइनस वन, बट गिवन कंडीशन चेक करो बच्चे, गिवन कंडीशन क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। तो इसका ये मतलब हुआ फंक्शन के डेरिवेटिव की दो ही वैल्यू लेके चलोगे, एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो एंड कितना आपका वन, राइट। अब आप क्या करना चाहेंगे, आपको फंक्शन की वैल्यू टेन पे निकालनी है नवीन, फंक्शन की। हाँ इस क्वेश्चन को सर दूसरे वाले मेथड से बता दो, डेरिवेटिव अभी बता, अभी बता, वही बताए उसमें भी करते हैं, चलो पहले इसको खत्म करते हैं, दूसरा मेथड ही बताएंगे फंक्शन का। बेटा ऐसा नहीं है कि उस मेथड में आपका लग सकता है, वो भी कोशिश करेंगे, करते हैं। एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो एंड वन, अब मुझे फंक्शन की वैल्यू टेन पे निकालनी है, तो ऑब्वियसली बात है टेन पे तब निकलेगी जब आपको फंक्शन मालूम होगा, राइट। अगर मैं प्रूव कर दूं फंक्शन का डेरिवेटिव आपका जीरो है या कोई कॉन्स्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप फंक्शन का डेरिवेटिव लिखो किसी भी नॉर्मल पॉइंट पे, ये बेटा बनेगा एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, राइट। अब आप इसको बेटा ऐसा लिख सकते हो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बेटा गिवन कंडीशन भी मैं लगाना चाहूंगा, जो आपका ये एच है, एच को लिख रहा हूं मैं एच के वन थर्ड का होल क्यूब, राइट। अब आप आइए गिवन कंडीशन पे, गिवन कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई क्यूब, तो ये बच्चे बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एफ एच के वन थर्ड की वैल्यू का होल क्यूब माइनस एफ एक्स ओवर कितना आपका एच, ये आपका बेटा कैंसिल हो गया। अब आप इसको क्या लिखोगे बच्चे, अब इसको आप ये नहीं लिखोगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच का वन थर्ड ओवर एच का वन थर्ड का कितना बोलो होल क्यूब, चेक करो बच्चे, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, एफ डैश जीरो का होल क्यूब। तो इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे क्या बन गया, एफ डैश जीरो का होल क्यूब, ये बन गया बच्चे, राइट। अब आप ये बताओ एफ डैश जीरो की वैल्यू अभी हमने क्या क्या बताई है, इट कैन बी जीरो इट कैन बी वन, राइट। अब आप दोनों केस भी कर सकते हैं, टेकिंग एफ डैश जीरो इक्वल टू जीरो, फंक्शन का डेरिवेटिव आपका क्या बन गया जीरो, तो फंक्शन किसके इक्वल है बेटा, कांस्टेंट के इक्वल है। सेकंड केस में बेटा लेके चलूंगा, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो पर वन है, एफ एफ डैश जीरो इक्वल टू वन, तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा बच्चे, ये आपका वन है तो ये आपका बन गया वन, हाँ। इसका इंटीग्रल करो, एफ एक्स की वैल्यू क्या बन गई बेटा, एक्स प्लस सी, राइट। तो आपने क्या देखा, अब आपको f0 गिवन है, f0 बेटा कितना गिवन है आपको जीरो, अब आप x को बेटा जीरो पुट करो, यहाँ जब जीरो पुट करेंगे तो c आपका जीरो,
दोनों केस में सी जीरो बनेगा, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या बन गया फाइनली एक्स। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो एफ 10 हो या एफ 20 हो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखो आपको एक मिनट, एफ सी को जीरो पुट करो। अच्छा तो फंक्शन दो टाइप का आ गया ना, या तो ये आ गया आपका x के इक्वल या जीरो के इक्वल। इसका ये मतलब हुआ फंक्शन जीरो के इक्वल का मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट फंक्शन है, किसी भी पॉइंट पे वैल्यू जीरो होगी। तो फंक्शन की 10 पर वैल्यू जीरो भी हो सकती है और 10 भी। बेटा ये मैं रिपीट करके सेकंड मेथड भी बताता हूँ आपको। देखो बच्चे दोबारा से देखिए क्या कहना चाह रहा है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई होल क्यूब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब ये कहना चाह रहा है फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फंक्शन डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन है 10। बेटा क्या किया मैंने, देखिए बच्चे आप इसको क्या करेंगे, इसको आप ऐसे सोचेंगे, पहले बेटा फंक्शन की जीरो पर वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपका पहला काम होता है फंक्शन की वैल्यू जीरो पर निकालना, क्योंकि लिमिटिंग फॉर्म में डेरिवेटिव कभी भी लिखेंगे तो जीरो से कनेक्टिविटी जीरो पर वैल्यू जरूर चाहिए होगी। नाउ एफ जीरो, इसमें बेटा एक्स और वाई को जीरो जीरो पुट करो, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या किया, जीरो प्लस जीरो जीरो, एफ जीरो एफ जीरो होल क्यूब, एफ जीरो बेटा कैंसिल्ड आउट, तो एफ जीरो इक्वल टू जीरो। नाउ एफ डैश जीरो की भी बात कर रहा है, एफ डैश जीरो को लिखा लिमिटिंग फॉर्म में, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो ओवर एच, ये वैल्यू जीरो है, ये बन गया एफ एच ओवर कितना आपका एच। अब बेटा गिवन कंडीशन को यूज मैं करना चाहूंगा, एच को लिख दिया जीरो प्लस एच वन थर्ड का होल क्यूब, ये बन गया एफ जीरो प्लस एच वन थर्ड का होल क्यूब, ये आपका मैंने बताया जीरो है, नीचे एच है, एच को लिख दिया एच का वन थर्ड का होल क्यूब। तो इसका मतलब गिवन एक्सप्रेशन क्या बन गया बच्चे, ये बन गया एफ एच वन थर्ड ओवर एच वन थर्ड का होल क्यूब, राइट। ये पूरी लिमिट भी आपकी एफ डैश जीरो होगी, तो एफ डैश जीरो इक्वल टू एफ डैश जीरो का होल क्यूब। शिफ्टिंग कर लिया तो एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो या प्लस माइनस वन, चूंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसको हमने क्या लिख लिया, इसको लिख लिया बेटा आपने जीरो और वन। नाउ फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा आपने लिमिटिंग फॉर्म में, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अब एच को बेटा लिख दिया एच वन थर्ड का होल क्यूब, ये एक्स ये वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्यूब एफ एक्स प्लस एफ वाई होल क्यूब, बिल्कुल ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका एफ डैश जीरो है, एफ डैश जीरो बेटा गिवन है। नवीन समझ में आ गया ये वाला मेथड। अब आपका क्वेश्चन है सेकंड मेथड, जरा थम लगा के बताएं बेटा, मुश्किल है एडजस्टमेंट, तो आपको थम लगा के कितने बच्चों को समझ में आ गया, एक बच्चे को आ गया, चार, एक दो तीन छह बच्चों को आ गया, ओनली सिक्स। तो रिपीट करें, एक बेटा दूसरा मेथड की हम बात करते हैं, सुनिएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू है एफ एक्स प्लस एफ वाई होल क्यूब। बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू है एफ एक्स प्लस एफ वाई होल क्यूब, राइट। अब आपको क्या निकालना है, अच्छा इसमें आप पहला काम तो क्या करो, एक्स और वाई को जीरो जीरो पुट करो, एफ जीरो इक्वल टू जीरो, मुझे नहीं मालूम इसका कहाँ यूज होगा। अब आप क्या करें, डिफरेंशिएटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, नवीन वाई को बेटा मैं क्या लेके चल रहा हूँ, कांस्टेंट। अब आप इसको डेरिवेटिव करो तो ये बन गया एफ डैश एक्स प्लस वाई क्यूब, नवीन चेक कर बच्चे, और एक्स प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव वन, और ये बन गया बेटा f डैश x, राइट। f डैश जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसको मैं यूज कर सकता हूं, मैं वो देखना चाह रहा हूं,
एफ डैश एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, अब मैं वाई को एक्स को जीरो पुट करूं, बेटा क्या कर रहा हूं, देख नवीन हो गया, रिप्लेसिंग एक्स बाय जीरो एंड वाई बाय कितना आपका बेटा एक्स, बेटा एक्स को जीरो से रिप्लेस करो, वाई को एक्स से रिप्लेस करो, तो ये क्या बन गया, चेक करो, बट उसे होगा क्या, एक मिनट, एफ डैश एक्स निकल जाएगा उससे, एफ डैश एक्स, अच्छा ठीक कह रहे हो, एक बार चेक कर लेते हैं, गौरव मेरे दिमाग में मान लो ये आ गया, अच्छा एफ ऑफ, एक मिनट आपका गौरव, ये भी ठीक है बच्चे, बेटा मैंने एक्स को रिप्लेस किया जीरो को से, वाई को एक्स से रिप्लेस किया, एक मिनट देखो जरा क्या बनता है, ये बन गया एफ डैश जीरो, अब आप क्या करो, देख बच्चे ये आपका एफ डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब, ये आपका आएगा एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश एक्स होल क्यूब, ये पहला पार्ट, इसको अगर मैं दोबारा प्रॉपर्टी लगाऊं तो आपका ये नहीं एफ डैश, ये है ना आपका, एक मिनट आपका क्या कहना चाह रहा था गौरव, वाई को एक्स की पावर वन बाय थ्री से रिप्लेस करते हैं, एक मिनट y को x की 1 बाय 3 से रिप्लेस करते हैं, चलो ये बन गया 0 प्लस x की 1 थर्ड का होल क्यूब इक्वल टू f डैश 0, ये बन गया f डैश x इक्वल टू कितना आपका f डैश 0, यही बना ना आपका, अरे समझ में आ रहे बच्चे, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे उसके इक्वल है जो फंक्शन का वैल्यू डेरिवेटिव जीरो पर है, अब आपका काम क्या रह गया, फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो पर निकालना, नवीन एफ डैश जीरो क्या लिखेगा, ठीक है ये बेटा मैं लिखता हूँ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो ओवर एच, एफ जीरो जीरो है, ये बेटा बन जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एच ओवर एच, एफ एच ओवर कितना आपका एच, अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है ये आपको देखना पड़ेगा, नव गौरव क्या करें बता आगे, तो अरे हमारा ये तो काम ठीक निकल गया, फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे किसके इक्वल है, फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू किस पर, जीरो पर, अच्छा फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो निकालना है आपको, अच्छा करते हैं, हो गया देखो बच्चे, हो गया देखो बच्चे, अब आपने क्या करना है, एफ डैश जीरो है ना आपका, एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बेटा इसको लिख दिया जीरो प्लस एच के वन थर्ड का होल क्यूब, अब आप एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल है बच्चे, ये आपका है एफ जीरो प्लस एफ एच वन थर्ड का कितना बोलो होल क्यूब ओवर एच, ये बेटा आपका जीरो है, इसको गौरव हम ऐसा लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एच की वन थर्ड ओवर एच की वन थर्ड का होल क्यूब, ये भी आपका एफ डैश जीरो है, तो एफ डैश जीरो इक्वल टू कितना, नवीन समझ में आ रहा है बच्चे, थोड़ा सा आसान हो गया, तो एफ डैश जीरो की बेटा तीन वैल्यूज हैं जीरो वन माइनस वन, इसको रिजेक्ट करो तो एफ डैश जीरो की वैल्यू बेटा क्या क्या बन गई, जीरो एंड वन, अरे दिमाग चल रहा है नवीन, यस सर, अब आप ये बताओ फंक्शन का डेरिवेटिव इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू जीरो या वन, वहीं से बस बाकी कर लोगे, समझ में आ गया, दोबारा बताया तुम्हें, कोई बात नहीं बेटा, सबसे पहला काम तो आपने x और y को जीरो जीरो पुट कर लिया, राइट, ये आपका f जीरो, f जीरो कैंसिल, तो f जीरो इक्वल टू जीरो, डिफरेंशिएटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू x, एक मिनट देखना जरा इसको,
हाँ बच्चे गौरव, मुझे लग रहा है समझ में आ गया। नवीन क्लियर हो गया? नवीन यस सर। अच्छा आगे बताइए, आगे देखते हैं बेटा इसकी प्रॉब्लम को। आगे और प्रॉब्लम किया आपने 69 के बाद? खुशी बेटा किसी बच्चे ने प्रॉब्लम की हो तो पहले आपकी प्रॉब्लम ही कर ले। देखो बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा, सी प्रॉब्लम नंबर 3। मैं आपको एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ 3.9 पे। चेक करते हैं बच्चे। एक वैसे मैं ये बताना और चाह रहा था कि आपका कौन सा 3.70। देखो आप, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। देखो बच्चे, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ वाई प्लस 2xy-1। चेक करना बच्चे, बेटा एक फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2xy-1 फॉर ऑल रियल एक्स एंड वाई, राइट। फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है, एफ एक्स इज गिवन टू बी डिफरेंशियबल एंड एफ डैश 0 इक्वल टू कोस अल्फा। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। दोबारा सुनो बच्चे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2xy-1, राइट। फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पर कितना है आपका कोस अल्फा। प्रूव दैट फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इट बिलोंग्स टू आर। मतलब फंक्शन पहली बात तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं डिफरेंशियबल है, 0 पर डेरिवेटिव कोस अल्फा है, तो प्रूव करना है फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। अब आप इसको क्या करें, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो बच्चे, आपको दो काम करने हैं। सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, मेरे जो माइंड में आ रहा है, इसमें एक्स और वाई को 0-0 पुट करो। पुट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 इन 1, तो ये आपका बन गया एफ जीरो इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ जीरो जी सर। हाँ जी हाँ जी, नहीं 7:30 to 9 तक हो, हाँ 7:30 तक लगा रखा है। नहीं नहीं अभी तो 9 बजे है, 8:20 हो गए सर। नहीं मैं 1:09 तक लूंगा क्लास। हाँ हाँ देखो बच्चे, बेटा ये कहना चाह रहा, पहले मैंने क्या किया, गिवन रिलेशन में एक्स और वाई को बेटा 0-0 पुट किया। इफ आई विल पुट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 तो एफ 0 इक्वल टू 0, राइट। अब इसका मैं यूज करना चाहूंगा, फंक्शन का 0 पर डेरिवेटिव अल्फा दे रखा है, राइट। इसका मैं क्या यूज कर सकता हूँ, एक मिनट बेटा नवीन, वही डेरिवेटिव वाला मेथड लगाए, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स keeping y to be constant। बेटा 1 को मैंने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x keeping y to be constant, बता रही जरा क्या बनेगा बेटा। ये बनेगा f dash x plus y into 1, ये बेटा f dash x, f y आपका 0 होगा, 2xy का डेरिवेटिव आपका 2y-1। बेटा आपने क्या किया, आपने ये किया एफ डैश एक्स प्लस वाई। अभी आप सोच के बताएं, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, जितने भी प्रॉब्लम है माइनस वन नहीं आएगा, ठीक है 0। रिप्लेसिंग बेटा, तीन ये चौथी प्रॉब्लम है,
एक्स को रिप्लेस करो जीरो से और वाई को रिप्लेस किससे करें बेटा एक्स से, रिप्लेसिंग एक्स बाय जीरो एंड वाई बाय कितना आपका एक्स, तो ये बेटा बन जाएगा एफ डैश जीरो प्लस एक्स, यहाँ पर एफ डैश जीरो प्लस कितना आपका टू एक्स। गौरव एफ डैश जीरो कितना है आपके पास, एफ डैश जीरो ये दे रखा है बेटा, हमें कौन दे, हम आपको गिवन है बेटा कोस अल्फा गिवन है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आपके पास एफ डैश एक्स आपका निकल गया बेटा टू एक्स प्लस कोस अल्फा, राइट इंटीग्रेटिंग विद, हाँ हाँ एफ डैश जीरो की वैल्यू अगर एक्स और वाई दोनों को इक्वल जीरो इक्वल पुट करके निकालेंगे तो जीरो ही आएगी। एक मिनट बच्चे, क्या कहना चाह रहे हो तुम्हारा बता, एक्स और वाई दोनों को जीरो को इक्वल पुट कर दूं, कर दिए हाँ तो एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो ही आ रही है। अरे क्या कर रहा है यार, अरे यहाँ पर दोनों को जीरो पुट कट नहीं जाएगा, ये जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, क्या कर रहे हैं, राइट एफ डैश एक्स की वैल्यू टू एक्स प्लस ए इंटीग्रेट करो, एट टू एक्स का इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर, कोस अल्फा का इंटीग्रल होगा एक्स कोस अल्फा प्लस कितना आपका सी, तो एफ एक्स बन गया कोस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कोस अल्फा प्लस कितना आपका सी। अब मेरा काम सी निकालना है, मुझे फंक्शन की जीरो पर वैल्यू मालूम है फोर एक्स इक्वल टू जीरो, क्या होगा बेटा जीरो प्लस सी, और एफ जीरो कितना दे रखा है आप चेक करो, एफ जीरो कितना निकाला था अभी आपने, एफ जीरो आपने निकाला था वन के इक्वल, तो सी इक्वल टू कितना आपका वन, एफ एक्स नहीं। मेरे हिसाब से डेरिवेटिव वाला मेथड आपके लिए सबसे अच्छा मेथड है। नवीन दिमाग चल रहा है, नवीन यस सर, मुकुल मतलब प्रेफर आप इसी मेथड को करो क्योंकि वैसे एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल काम है, देखते हैं बेटा कुछ अनसोल्व भी करते हैं। देखो बच्चे लेट अस स्टार्ट विद अनसोल्व प्रॉब्लम, मैं बेटा एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, आप लोग भी अपना पेन कॉपी लिख के अपना ट्राई करना स्टार्ट करें। सी क्वेश्चन नंबर फोर, लेट जी सच दैट आर टू आर, लेट जी सच दैट आर टू आर is given to be a differentiable function satisfying gx equal to gy into gx minus y। बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, g is a function from r to r such that gx equal to gy into gx minus y for all xy belongs to r, right, and g dash 0 equal to a, g dash 3 equal to beta b, find the value of, ये बढ़िया प्रॉब्लम है, g dash minus 3। बेटा दोबारा सुने, बेटा क्वेश्चन क्या गिवन है, g is a function from r to r such that gx equal to gy into gx minus y, gx equal to gy into gx minus y for all xy belongs to R, if g dash 0 equal to a, matlab g dash 0 equal to a, g dash 3 equal to b, right, find the value of, kiski nikalni hai beta, g dash at minus 3, koi bachcha reply kare, संगम रिप्लाई करो बेटा, जिसका नाम लिया जाए रिप्लाई कर दिया करे, बोलो बोलो। पहला स्टेप तो ये है कि इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे करेंगे, कोई बच्चा हिंट दे सकता है हाउ टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। बेटा पहला मेथड तो मेरा वही माइंड में आता है डिफरेंशिएटिंग वन, नवीन अब तो हमने वो वाला मेथड को ज्यादा अप्लाई करें, डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई टू बी कांस्टेंट, कीपिंग वाई टू बी कांस्टेंट, तो ये बेटा बन जाएगा जी डैश एक्स,
यहाँ पर ये आपका कांस्टेंट है जी वाई, जी एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव जी डैश एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव कितना है आपका वन, क्योंकि आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आपका पहला स्टेप क्या बन गया, जी डैश एक्स इक्वल टू जी वाई इंटू जी डैश एक्स माइनस वाई, राइट। अब आपका काम होता है जी डैश जीरो गिवन है, अच्छा जी डैश जीरो हमें गिवन है, इसको हम क्या करें, एक मिनट, हमें निकालना है जी डैश माइनस थ्री। यूजुअली हम लोग क्या करते थे, यूजुअली इसको भी कर सकते हैं, रिप्लेसिंग y by x, x by 0 and y by x। नवीन यही करते थे बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, x को 0 पुट कर रहे हैं और y को बेटा x कर रहे हैं। राइट तो अब जी डैश जीरो की वैल्यू हमें दे रखी है a, इक्वल टू जी एक्स इंटू जी डैश माइनस एक्स। इससे बात हमारे को नहीं बनी क्योंकि जी जीरो इक्वल टू जी एक्स इंटू जी डैश माइनस एक्स, अब इससे बात हमारी नहीं बनी, कोई बात नहीं। अब आप एक काम करो, अगर मैं दोनों को इक्वल लूं तो ये जीरो वाली बात कहीं ना कहीं आ रही है, पुट एक्स इक्वल टू वाई करना बेटा, ये बन गया जी एक्स इक्वल टू जी एक्स, ये बन गया बेटा जी जीरो, चेक करना नवीन। अब जी जीरो की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, जी जीरो की वैल्यू क्या हमें दे रखी है, क्या मैं जी जीरो निकाल सकता हूं, अच्छा इसको आपने कैंसिल कर लिया, मानो जी एक्स आपका जीरो नहीं है, तो जी जीरो इक्वल टू कितना बन गया आपके पास, वन, राइट, जी जीरो इक्वल टू वन। अब आप क्या करें नवीन, देखो अब आपका यहाँ पर जी डैश एक्स कितना है आपका, पहले चेक करो, ये आपका है जी वाई इंटू जी डैश एक्स माइनस वाई, जी डैश एक्स इक्वल टू कितना आपके पास, जी डैश एक्स, मेरा वाई को मैंने एक्स पुट किया, एक मिनट जरा मुझे एक टाइम, बेटा जी डैश एक्स इक्वल टू है जी वाई इंटू जी डैश एक्स माइनस वाई, करेक्ट। अगर मैं एक्स को वाई पुट कर रहा हूँ, जी डैश जीरो हमें गिवन है, राइट। अच्छा आप एक काम करो, इसमें y इक्वल टू x करना बेटा, इसमें y इक्वल टू x करो, इफ आई विल पुट y इक्वल टू x तो क्या बन गया, g डैश x इक्वल टू जी एक्स इंटू कितना आपका g डैश जीरो, अब g डैश जीरो गिवन है हमारे को, एक बार चेक करना नवीन, जरा चेक करियो g डैश जीरो क्या गिवन, हाँ ये गिवन है, तो ये आपका आ गया a टाइम्स जी एक्स, ठीक है, हो गया सवाल बेटा, जी डैश एक्स इक्वल टू a टाइम्स जी डैश, सेपरेटिंग का वेरिएबल जैसे आप लोग करते हैं, जी डैश एक्स ओवर जी एक्स इक्वल टू a, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा बच्चे, log जी एक्स। देखो इंटीग्रल आपको अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, एक इंटीग्रल बेटा होता है फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफर एफ एक्स, ये बेटा फिजिक्स में भी आपने किए होंगे, ये बेसिक इंटीग्रल है, ये होता है लॉग एफ एक्स प्लस कितना आपका सी, दोनों तरफ इंटीग्रल करो, लॉग जी एक्स इक्वल टू कितना बोलो, ए इंटू एक्स, राइट। इस फंक्शन का लॉग ई बेस में आपका ये बना, इंटीग्रल करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और नहीं आना चाहिए, जी डैश एक्स इक्वल टू, तो इसका मतलब प्लस बी आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जी एक्स आपका बन गया ई पावर ए एक्स प्लस बी। अब मेरा काम क्या है बेटा, ए और बी निकालना, जी डैश जीरो हमें दे रखा है ए, और जी डैश सेकेंड कंडीशन क्या है, थ्री इक्वल टू कितना आपका बी, फाइंड जी डैश माइनस थ्री, कोई बात नहीं निकल जाएगा। अब आप इसका बेटा डेरिवेटिव करो,
e पावर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव e पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ए, राइट। एक्स को आप कितना पुट करो, जीरो। एक्स को बेटा जीरो पुट किया तो जी डैश जीरो इक्वल टू ई पावर बी इंटू ए, और ये ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई पावर बी इक्वल टू वन। तो बी की वैल्यू क्या बन गई बेटा, जीरो। तो इसका मतलब बी अगर आपका जीरो है तो आपका जी डैश एक्स क्या बन जाएगा, जी डैश एक्स आपका बेटा बन गया ई पावर ए एक्स इंटू ए। दूसरी कंडीशन पुट एक्स इक्वल टू बेटा टू, हमें कितना दे रखा है सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन थ्री दे रखी है, जी डैश थ्री। एक्स को थ्री पुट करना बच्चे, जी डैश थ्री इक्वल टू ए इंटू कितना आपका ई पावर थ्री ए, ये हमें दे रखा है बेटा बी, तो ई पावर थ्री ए इक्वल टू बी बाई ए, राइट। ई पावर बेटा आपको आप क्या करें, जी डैश एक्स ई पावर थ्री ए, तो ई पावर ए की वैल्यू क्या बन गई बच्चे, बी बाई ए पावर वन बाई थ्री। मैं क्यों निकाल रहा हूं, देखो जी डैश एक्स क्या है, ई पावर ए एक्स, तो ई पावर ए होल पावर एक्स, ई पावर ए की वैल्यू बन गई बी बाई ए वन थर्ड की पावर एक्स इंटू ए। ये क्या निकल गया बेटा, जी डैश एक्स। अब आप क्या करें, इसमें एक्स को कितना पुट करें, माइनस थ्री, तो जी डैश माइनस थ्री इज इक्वल टू बी बाई ए होल पावर वन थर्ड पावर माइनस थ्री, वन थर्ड की माइनस थ्री, तो बी बाई ए पावर कितना आपका माइनस वन इन टू ए, तो ये बेटा बन जाएगा ए स्क्वायर ओवर, यही आंसर बेटा। मुश्किल है प्रॉब्लम, अच्छी देखो मैं इसको दोबारा बताता हूँ, एक मिनट बेटा देखो, हो सकता है इसका और मेथड भी हो, तो दिमाग में चल रहा है पहले वो देखते हैं, देखो जरा सोचेंगे इसका और मेथड भी, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, फंक्शन आपका दे रखा है डिफरेंशिएबल सच दैट जी एक्स इक्वल टू जी वाई इंटू जी एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। जी के डेरिवेटिव की जीरो पर वैल्यू ए है, जी के डेरिवेटिव के थ्री पर वैल्यू बी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ जी एट माइनस थ्री। क्या किया बच्चे हमने, पहले गिवन रिलेशन को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई टू बी कॉन्स्टेंट, ये बेटा बनेगा जी डैश एक्स, जी वाई कॉन्स्टेंट जी डैश एक्स माइनस वाई। यूजली हम लोग करते थे एक्स को जीरो वाई को एक्स, बट यहाँ उससे बात नहीं बन रही। अब हमने क्या किया, इस रिलेशन में एक्स और वाई को बेटा इक्वल पुट कर दिया इस वाले रिलेशन में, तो ये बन गया जी डैश एक्स इक्वल टू कितना आपके पास, ये आपका जी एक्स जी जीरो, और जी जीरो आपका पहले से ही पता है गिवन रिलेशन की हेल्प से बन है, राइट। अब आपका ये बन गया बच्चे, वाई को जब एक्स पुट करोगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा जी डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू जी डैश जीरो, जी डैश जीरो की वैल्यू ए गिवन है, तो जी डैश एक्स इक्वल टू ए इंटू जी एक्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जी डैश एक्स ओवर जी एक्स का इंटीग्रल बनेगा लॉग जी एक्स, ये बन गया ए एक्स प्लस बी, इस नंबर का लॉग ई बेस में ये है तो जी एक्स क्या बनेगा, ई पावर ए एक्स प्लस बी, इसका बेटा डेरिवेटिव करो, ई पावर ए एक्स प्लस बी डेरिवेटिव इज e पावर ax प्लस b इंटू ए, राइट। आपने x को जीरो पुट कर दिया, यहाँ पर आपका x को जीरो पुट किया g डैश जीरो e पावर b इंटू ए, ये भी a है a से a कैंसिल, तो e पावर b वन तो b जीरो, तो यहाँ पर अपडेट कर दिया g डैश x। अब आप x को थ्री पुट करें क्योंकि g डैश थ्री भी हमें गिवन है, राइट, ये बन गया a इंटू e पावर थ्री है, ये हमें b गिवन है, तो e पावर a की वैल्यू बन गई। अब g डैश x क्या है, e पावर a x, राइट, तो ये आपका इंटू ए भी है, इंटू ए भी। अब e पावर a की होल x, e पावर a को पुट कर दिया, राइट। अब आपने x को माइनस दिया बेटा, प्रॉब्लम नंबर आई है फाइव पे। हाँ गौरव क्या कह रहा था बच्चे, सर मैं कह रहा था दूसरे मेथड से भी हो गया वो आसान, कहते हैं
एक और मेथड है इसका, बताओ सर। पहले डेरिवेटिव कर लो गिवन इक्वेशन का, कर लिया डेरिवेटिव, ये तो हमने कर रखा है। फिर एक्स को जीरो और वाई को माइनस थ्री पुट कर लो, एक्स को जीरो और वाई को माइनस थ्री। अच्छा करते हैं, मैं आपके साइड में कर ही देता हूँ, क्या दिक्कत है, एक बार हो सकता है। बेटा ये आपने डेरिवेटिव किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पुट एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू थ्री माइनस थ्री, माइनस थ्री, चलो मैंने मान लिया आपकी बात। तो इसका ये मतलब हुआ जी डैश जीरो इक्वल टू जी वाई, तो जी माइनस थ्री, ये बेटा बन जाएगा जीरो माइनस और माइनस थ्री, थ्री आ गया। जी डैश जीरो आपका ए है, एक मिनट, ये आपका बी है, तो जी की माइनस थ्री पर वैल्यू बन गई। अब इससे क्या एडवांटेज होगा, अब एक्स और वाई दोनों को माइनस थ्री पुट कर लो। एक मिनट करेंगे करेंगे, कोई बात नहीं बेटा। पहला काम जी फंक्शन की माइनस थ्री पर वैल्यू तो बन गई, चलो मान लिया। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, एक्स और वाई दोनों को माइनस थ्री पुट कर दो। देखते हैं चेक कर लेते हैं, पुट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस थ्री। अगर एक्स और वाई को माइनस थ्री पुट करता हूं मैं, तो ये बेटा बन गया जी माइनस थ्री और जी माइनस, अच्छा डेरिवेटिव वाले में, अच्छा एक मिनट कोई बात नहीं, ये बेटा बन जाएगा जी डैश माइनस थ्री इक्वल टू जी माइनस थ्री। अच्छा इसका यूज आ जाएगा, ये आपका बन गया जीरो और जी माइनस थ्री की वैल्यू कितनी है, ए बाय बी, और जी डैश जीरो ए है, ये आपके लिए आसान हो गया। नवीन दिमाग चला बेटे, नवीन कहाँ गया, खुशी संगम, देखो बेटा सारी ट्रिक्स हैं, आपको दिमाग बार बार चलाओगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज। बेटा क्या किया आपने, पुट एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू थ्री, तो ये बेटा बन गया आपके पास वाई इक्वल टू माइनस थ्री, तो ये बेटा बन गया जी, इसमें डेरिवेटिव में जी डैश जीरो जी माइनस थ्री और जी डैश माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस थ्री, ये बेटा ए है, ये आपको बी गिवन है, तो जी माइनस थ्री बन गया ए बाय बी। अब आपने एक्स और वाई को जीरो जीरो पुट किया माइनस थ्री, जब माइनस थ्री पुट करेंगे तो ये बनेगा जी डैश माइनस थ्री, जी माइनस थ्री जी डैश, ये बन जाएगा जीरो और जी डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, जी डैश जीरो की वैल्यू आपकी बेटा बन जाएगी ए, राइट, जी माइनस थ्री इज ए बाय बी, ये आपका a, a by b into a becomes a square by b, तो इसका मतलब g dash minus 3 equal to कितना आपका a square by b, ठीक है, good, very good brother। बेटा next आना problem number, ये जो है ना problem number 7 में आता हूँ। पाठक सर क्लास कितने बजे होती है आपकी physics की, गौरव? शाम को होती है सर, 5:15। अच्छा पाठक फिजिक्स की शाम को ही होती है रोज, 5:15 से 5:55 से 40 मिनट की। अच्छा रोज एक ही होती है, यस सर। अच्छा बेटा आपकी आज 6 बजे क्लास है, ध्यान रखना वो वाली एडवांस वाली। बेटा एडवांस की जो बच्चे क्लास करने में इंटरेस्टेड है, मेरे को नाम 3 बच्चों के आए हैं, गौरव मुझे कंसेंट देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि मैं आपके किसी को भेज दूं, मैं उन्हीं को लिंक भेजूंगा जो बच्चे इंटरेस्टेड है, जो उनके बच्चों कंसेंट है, आप मेरे को कंसेंट डाल दे अपनी। शाम की 6 बजे क्लास है, जो आपको मैंने पेपर 2 डाले थे एडवांस वाले, उन्हीं पेपर को मैं डिस्कस करूंगा आज, आप ही करना स्टार्ट करूं, आपका बड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, prove that limit h tends to 0 f of x plus h plus f of x minus h minus 2 f x over कितना आपका s square, ये बेटा शो करना है आपको f double dashes, नीचे लिखा हुआ है without using L'Hospital rule। बेटा आप इसको ये कहना चाह रहा है दिस
लिमिट एच टेंड टू जीरो दिस बाय दिस आपको ये प्रूव करना है डबल डैश एक्स। इसमें बेटा एलएच रूल को यूज नहीं करना, अगर आप एलएच रूल को यूज करोगे तो बेटा ये आएगा ही आएगा, बट विदाउट यूजिंग एलएच रूल वी हैव टू प्रूव, राइट। कोई बच्चा रिप्लाई कर सकता है, एनीवन इन द क्लास? बहुत आसान प्रॉब्लम है। देखिए बच्चे, सबसे पहला तो काम होता है एफ डबल डैश होता क्या है। एनीवन? बेटा एफ डबल डैश का मतलब होता है डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, क्या ये ठीक है? बेटा एफ डबल डैश एक्स का मतलब डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जो काम बेटा एफ के लिए करते थे आप एफ डैश के लिए करो, एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ डैश एक्स ओवर एच। चेक करना बच्चे, अरे दिमाग चल रहा है गौरव? बेटा सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। अब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है लिमिटिंग फॉर्म में? लिमिट एच टेंड टू जीरो फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस एच पे। नाउ इसको बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट एच टेंड टू जीरो। अब आप क्या करें, एफ डैश एक्स प्लस एच को लिखो लिमिटिंग फॉर्म में। एक नया नंबर ले लीजिए एल, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एल माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर बेटा एल। चेक करना बच्चे, सेकेंड व्हाट इज एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स को बेटा मैं लिख सकता हूं लिमिट एल टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एल माइनस एफ एक्स ओवर एल, ये बेटा एच है, राइट। अब आपके पास यहां तक बेटा बन गया है, अब आपको एच स्क्वायर प्रूव करना है, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ये आपका बेटा बन गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिमिट एल टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ, बेटा जैसे आप लोग एफ डैश एक्स को लिखते थे, एफ डैश एक्स को लिखते थे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर कितना आपका एच। बेटा मैं सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा, एस स्क्वायर में आंसर प्रूव करना है। अगर मैं एल को एच पुट कर दूं तो क्या बात बन रही है हमारी? एल को एच पुट कर दें तो मेरे हिसाब से तो बात आपकी, आपको प्रूव क्या करना है वो देखो, आंसर को प्रूव क्या करना है। अच्छा एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अच्छा आप ऐसा करो, टेकिंग माइनस भी चाहिए, एल इक्वल टू माइनस एच। बेटा एल को माइनस एच पुट करो, जहां पर भी एल आ रहा है एल को माइनस एच पुट करें तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एच माइनस ये आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यहां पर आना, एल को माइनस एच पुट किया माइनस एफ एक्स, एल को माइनस एच पुट किया तो ये बन गया माइनस एच स्क्वायर। नेगेटिव बेटा कॉमन लेना या नेगेटिव कैंसिल करें, सो इट विल बिकम लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बेटा नेगेटिव यहाँ एडजस्ट करो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच। यहाँ बेटा आपका बनेगा, ये दोनों कैंसिल नहीं होने चाहिए, ये बेटा माइनस माइनस प्लस है, हाँ टू टाइम्स कितना आपका एफ एक्स, नेगेटिव आपने माइनस एफ एक्स ओवर एस। गौरव यही आंसर आ रहा। देखो बच्चे मैं दोबारा बताता हूँ, देखो सारी एडजस्टमेंट है बेटा, क्या करना है एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, ये प्रूव करना है आपको विदाउट यूजिंग एल एच रूल। क्या किया आपने, एफ डबल डैश का मतलब हुआ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट, और फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ डैश एक्स ओवर एच। अब आप इसको लिमिटिंग फॉर्म में लिखो बच्चे, लिमिट एल टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एल माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर एल, यहाँ लिख दिया। अब एल को माइनस एच रिक्वायरमेंट को देखते हुए,
क्योंकि आंसर आपका इस फॉर्म में भी आ रहा है और इस फॉर्म में भी आ रहा है, आप एल को माइनस एच पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। बेटा जिन दो चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ दोबारा सुन लीजिए, पहली चीज मैं आपको